बड़े नेतृत्व को तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ उन्होंने मुझे बताया। क्या संकल्प लेती हैं विधायक बनने के बाद इस बार आप? बलहा का विकास नंबर एक पे। उसके बाद मैं पयापुर विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को, अपने शुभ चिंतकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन्हें कि उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया है और पयापुर के स्वाभिमान को बढ़ाया है। मुझे जीत हासिल करना है। चर्चा किया है आप लोगों के बीच में, मेरी पूरी कोशिश रहेगी केंद्र में भी माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में सरकार चल रही है मोदी जी के, उत्तर प्रदेश में भी हम भारी बहुमत से सरकार में वापस आ रहे हैं। तो मेरा पूरा विश्वास है कि नालपारा के जनता क्षेत्र के विकास के लिए मैं जो कुछ संभव हो सकेगा वो वादे हमने किए पूरे करेंगे। सिर्फ नालपारा के लिए करेंगे कि पूरे बहराइच के लिए करेंगे? देखिए, हमारे सांसद जी इसके लिए पर्याप्त हैं, माननीय चरण लाल जी बहराइच से सांसद हैं, तो हम और पूरी टीम जितने भी निर्वाचित हैं भारतीय जनता पार्टी के, सब लोग मिलकर पूरे बहराइच के लिए भी ठीक करेंगे। हमारे सांसद की मिसाल पूरे दुनिया में है, इसकी शुचिता, ईमानदारी और निष्पक्षता पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, यही हमारी भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। आप जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे इस तरीके से आप जीते हैं नानपारा की जनता की से, बहराइच के आवाम से और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहेंगे? हमारे अपना दल भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने पूरी मदद मेहनत किया और नानपारा के सभी सम्मानित मतदाताओं ने मुझे भरपूर प्यार और सहयोग दिया और अपना मत दे करके भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाया। मैं उम्मीद करूंगा और कोशिश करूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी अपेक्षाओं की मैं खरा का आभार व्यक्त करूँ, ये कम है। और साथ ही साथ अपने भारतीय जनता पार्टी के वो सभी कार्यकर्ता जो बूथ पर काम करके, सेक्टर पर काम करके, जिले में, मंडल में काम करके पार्टी को आगे बढ़ाने में दिन रात योगदान करते, उन सबका भी पूरी पूरी शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब मीडिया के लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया मैं व्यक्त करती हूँ कि आप लोग पार्टी की जो विकास परक नीतियाँ हैं, रीतियाँ हैं, उनको बड़ी बेबाकी से, निष्पक्षता के साथ दोबारा विधान, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सोने पर सुहागा, हमारी सरकार बन रही थी, मैं वैसे ही बहुत खुश थी और आप लोगों ने, जनता ने यहाँ के मेरे विधायक दोबारा चुन लिया। और मेरे लिए बाढ़ क्षेत्र के हम भी निवासी हैं, बाढ़ की समस्या से हम बहुत मतलब काफी वाकिफ हैं। बाढ़ की समस्या को निपटाने का हम अलग से प्रयास करेंगे कि हम सरकार से अलग से बैठकर लेकर बाढ़ की समस्या का समाधान कराएं, जब तक बचाने का काम। इस जीत पे दो शब्द, आज की अपनी जीत पर दो शब्द क्या कहना चाहेंगे जनता से? आपके माध्यम से सबसे पहले तो आप सबको बधाई देना चाहते हैं कि आप सबने हमको इस जीत के लिए हमारे पास आए हो, आभार व्यक्त करने के लिए। और साथ साथ हम पूरे क्षेत्र की जनता को और बुजुर्गों के आशीर्वाद के लिए हम उनको उनके आशीर्वाद की पुनः फिर अपेक्षा करते हुए उनका और साथ साथ अपनी पूरी जनता का आभार व्यक्त करते हैं और साथ साथ पूरे मित्रों को, अधिवक्ता साथियों को और शिक्षित साथियों को, अध्यापकों को, सबका आभार व्यक्त करते हुए आप सबको बधाई देते हैं। यही मेरा इस बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के ने जो कार्य किए हैं और इस उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज और माफिया राज को खत्म किया है, ये उसकी जीत है। जो गरीबों को गरीब कल्याण योजना के तहत भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो चीज़ें मुहैया कराई हैं उनके अनुरूप उसकी जीत है। 170 करोड़ वैक्सीन भारत में लगाई गई है और 25 करोड़ से ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने वैक्सीन लगवाई है, ये उसकी जीत है। ये जीत योगी और मोदी के कार्यों के कारण भारतीय जनता पार्टी उपलब्धि हासिल हो तल पे नहीं था। विपक्ष अगर धरातल पर होता तो उसको ये जानकारी होती कि हम कहीं नहीं। बहराइच की आवाम से क्या कहेंगे? बहराइच की आवाम से जो हमारी पार्टी हमेशा कहती आई है, योगी जी कहते आए हैं, मोदी जी कहते आए हैं, विकास के रास्ते पर गरीबों के हित में कार्य करते रहेंगे, गुंडा माफिया राज को खत्म करेंगे। एक बार फिर संकल्प जो हमने शुरू किया था, गरीबों के को न्याय दिलाना, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना, जन जन तक के स्वच्छ जल पहुंचाना, बाढ़ पीड़ितों की मदद करना, बाढ़ से निजात दिलाना,
यही सब कार्य हैं, वही आगे निरंतर बढ़ते रहे। मुझे भी लग रहा है जैसे मुझे आधी अधूरी खुशी मिली है, मैं जीती जरूर हूँ लेकिन अगर मेरे पति जीतते तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलती। आप अपने जिस जनता ने आपके ऊपर भरोसा दिया उसके लिए क्या कहना चाहिए? ये सब उन्हीं की नतीजा है, ये सब उन्हीं की वो है जो उन्होंने मेरी मदद करी, उनका ये प्यार है, उनकी ये दुआ है। धन्यवाद।